नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। वेलकम टू करनाल न्यूज़ 24। देखिए, मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में, एलोपैथ में, नेचुरोपैथी में और भारतीय संस्कृति में बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं बीमारियों को केवल, मैं ये नहीं चाहता कि केवल दवाई से ही ठीक करूँ, उसका कारण क्या है, क्यों बीमारी हुई और उसको कैसे हम लाइफस्टाइल में चेंज करके ठीक कर सकते हैं, मेरा इस चीज़ में बड़ा विश्वास रहता है। और भारतीय संस्कृति में तो जो एक एक दिन है वो एक एक त्यौहार के रूप में होता है और एक एक दिन का साइंटिफिक मीनिंग होता है कि इस दिन हम क्या करें क्या ना करें। तो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो उसे बड़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, भादो का महीना जाने वाला है, आज आखिरी दिन है, पूर्णिमा है, और कल से आशुष का महीना शुरू हो रहा है। तो इसमें श्राद्ध पक्ष आता है जो कि बड़ा ही साइंटिफिक है, श्राद्ध को मनाना बड़ा आवश्यक है, साइंटिफिकली प्रूवन है। और भारत ही नहीं, विश्व के अनेकों देशों में, चाहे सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, जापान हो, सभी देशों में श्राद्ध को किसी न किसी रूप में, दूसरे रूप में बदल के मनाते हैं। तो सभी पितरों का तर्पण करते हैं। क्या उसका साइंटिफिक बेसिस है, मैं वो आपको बताऊंगा। देखिए, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं, डॉक्टर साहब, ये बच्चा कहना नहीं मानता, ये बच्चा बड़ा जिद्दी है, ये तो बच्चा बिल्कुल ही बात ही नहीं सुनता, इसकी स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये सब तब होता है जबकि हम एक प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं। अगर हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, जो हमारी पीढ़ियों से प्रोटोकॉल चली आती है उसको अगर हम फॉलो करेंगे, तो उसे बड़ा ही ये सब हमारे लिए आसान हो जाता है कि हमारे बच्चे माने। मैंने तो इस चीज़ का स्वाद चख लिया है। ये देखिए, मेरी गुड़िया है सौम्या, ये बड़ी हो गई है, अब 14 साल की हो गई, बेटा भी है पार्थ। तो ये बड़े ही होनहार और बड़े ही अच्छे बच्चे हैं दोनों, बड़े ही इंटेलिजेंट भी है, फिजिकली बड़े साउंड हैं, ये कभी बीमार नहीं होते। हमारी पूरी फैमिली ही बड़ी स्मार्ट फैमिली है, हम लोग हमेशा निरोगी रहते हैं क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं। तो भारतीय संस्कृति की ये बड़ी बड़ी अनमोल धरोहर है श्राद्ध पक्ष। तो श्राद्ध पक्ष का वैज्ञानिक महत्व है। देखिए, आज बड़े बड़े जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका है, चाइना है, तो ये कंट्रीज़ कहते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं और हम इको फ्रेंड, हम हमारी सारी चीज़ें इको फ्रेंडली हैं और हम प्रकृति का एक उसका रखरखाव करना चाहते भी हैं और हम जानते भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भौतिकवादी देश हैं, जो बहुत ज़्यादा AC यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिज यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जो ओजोन की लेयर को डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वही हमें कहते हैं कि हम इसकी संरक्षण करेंगे, इको उसको मेंटेन करके चलेंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति में तो बड़े सालों से बताया गया है कि हम प्रकृति की पूजा करें, हम पेड़ पौधों की, वनस्पति की भी सेवा करें, उनकी संरक्षण करें, और फिर हम जानवरों का भी देख रेख करें, उनकी संरक्षण करें, उनकी पूजा करें, और मानव जाति का भी एक दूसरे का, सब लोग सब साथ मिलकर चलें। जो श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध पक्ष में जो पीपल की पूजा होती है, पीपल का पेड़ देखिए कितना बड़ा पेड़ है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, दुनिया भर में एक अकेला पेड़ ऐसा है, तो उसकी पूजा करने का विधान बताया गया। कुशा जो दूब होती है उसकी पूजा होती है। फिर इसी तरह से जानवरों को, कौवे को हम वो देते हैं, भोजन देते हैं, कुत्ते को हम भोजन देते हैं, तो गाय को हम रोटी खिलाते हैं, बंदर को हम केला देते हैं, गुड़ देते हैं। तो ये जो प्रथा है ये बड़ी साइंटिफिक है। 7 पीढ़ियों तक का हमें ध्यान रखना होता है कम से कम, क्योंकि जो जो साइंस ने खोज की है, अब हम कहते हैं कि जेनेटिक स्ट्रक्चर, ये बीमारी जेनेटिक डिसीज है, क्योंकि जो हमारे पुरखों का खान पान रहसन जैसा था, वैसा जो उनकी प्रकृति थी, किसी की वात प्रकृति थी, पित्त प्रकृति थी, कफ प्रकृति की थी, तो उसी तरह से हम अपनी प्रकृति का देख के, हम अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, जैसी प्रकृति हम हमारे परिवार में लोगों की, वैसा खान पान रहसन रखेंगे तो हम बड़ी सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, जिसको साइंस कहती है जीन्स, जो आज की मॉडर्न साइंस है, उसी का भारतीय संस्कृति में नाम लिया गया अंश। जैसे जो टोटल अंश हमारे शरीर में 84 होते हैं, भारतीय संस्कृति में ऐसा आया, उसमें से 28 हमारे अपने अंश होते हैं और 56 अंश हमें अपने फादर और फोर फादर से मिले होते हैं। उनमें से जैसे पिता से पहली पीढ़ी के जो हमारे है, पहली पीढ़ी, उसके 21 अंश उनसे मिलते हैं, दादा से 15 अंश, फिर तीसरी पीढ़ी के परदादा से हमें 10 अंश, उसके बाद चौथी पीढ़ी से 6 अंश, और पाँचवीं पीढ़ी से 3 अंश, और छठी पीढ़ी से 1 अंश। इस तरह से 7 पीढ़ियों की जेनेटिक स्ट्रक्चर है। तो कम से कम 7 पीढ़ियों के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। जब मैं टेंथ क्लास में था तो मैंने अपने पापा से पूछ के अपना फैमिली ट्री बनाया था। हमारा ये 8 पीढ़ियों का हमारा ट्री है, ये आज से 30 साल पहले का ट्री है जो बनाया था ये। फिर मैंने बाद में, अब MBBS करते समय भी मैंने बनाया ये ट्री। देखिए, फैमिली ट्री, मेरा बड़ा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में शुरू से ही, तभी मैं भारतीय संस्कृति की ये बुक्स भी पढ़ते ही रहता हूँ कि हम क्या करें क्या ना करें। देखिए, ये देखिए, तो ये है
ये राजीव दीक्षित जी भी यहाँ पे दो दिन आए थे रह के गए, तो ये भारतीय संस्कृति स्वामी रामदेव जी भी यहाँ पे आए, हमारे हॉस्टल में आए, एक दिन रह के गए, भोजन लिया इन्होंने। तो भारतीय संस्कृति को अगर हम साथ में लेके चलेंगे हम बड़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम क्या खाएं क्या ना खाएं, देखिए भारतीय संस्कृति में भगवान राम ने चतुर्मास के व्रत का पालन किया, फिर पितरों का तर्पण भी किया। वहाँ पे कुछ भी नहीं था जब वो जंगल में थे, तब वहाँ पे तर्पण के लिए कुछ भी चीज़ नहीं थी, उन्होंने एक फल तोड़ा, फलों से ही केवल तर्पण किया। अदरवाइज जो हम सक्षम लोग हैं, अगर हम सक्षम लोग थोड़ा दान देंगे, थोड़ा खीर पूरी हलवा बना के दे के आ जाएंगे, मंदिर में दे आएंगे, किसी को दान देंगे, कुत्ते को रोटी देंगे, गाय को रोटी देंगे, तो उससे समाज का कल्याण होता है। आजकल पेड़ पौधों पे भी सबने कब्जा कर रखा है, फल भी नहीं खा सकते पक्षी, सारे जाल लगाए होते हैं, सारे अपना एक एक चीज़ पे कब्जा होता है, तो ये पशु पक्षी कहाँ से भोजन मिलेगा। बंदर है, बंदर बेचारे घूमते फिरते रहते हैं, इनको देखते लोग डंडा लेके भाग के आते हैं कि अरे देखो बंदर ये खा जाएगा हमारे, तो किसी के लिए इनके लिए कुछ है ही नहीं खाने के लिए। तो श्राद्धों के बहाने ही अगर इनके मुंह में कुछ चला जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए प्रकृति को सबको साथ में लेके चलना, प्रकृति का संरक्षण करना, उसमें ही हमारी भलाई छुपी हुई है। और इसमें तो देखिए मैंने तो भारतीय संस्कृति का स्वाद चख रखा है, मैं चतुर्मास में पिछले छः साल हो गए, छः सालों से जब से मुझे पता लगा वाइफ भी और मैं भी, हम दोनों लोग 6 साल से इस 4 महीने में सावन भादो आसूस कार्तिक एक ही टाइम खाना खाते हैं। वैसे हम पिछले 15 साल से 2 टाइम भोजन लेते हैं, उसका हमें बड़ा लाभ मिला है। मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ एट द एज ऑफ 51 ईयर्स। मैं पिछले 15 साल से मच्छरदानी में सोता हूँ, मैं पंखा नहीं चलाता, जितनी मर्जी गर्मी हो पूरी गर्मियों में बाहर सोता हूँ, बिना पंखे के सोता हूँ, बिना एसी के, बिना कूलर के, मैं निरोगी रहता हूँ। उसका ये मुझे फ़ायदा मिला कि मेरी रनिंग स्पीड बड़ी अच्छी है, मेरी बड़ी सारी वीडियोज़ मैंने पोस्ट की है, मेरा जो जगदम्बा बेबी केयर नाम से यूट्यूब चैनल है मैं उस पर लाइव भी होता हूँ, हर संडे को मैं लाइव होता हूँ 4 से 5 कि जो भी आपकी बीमारी है वो हम केवल भारतीय संस्कृति के खान पान रहन सहन से ही ठीक कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा टेंडेंसी रहती है, मेरे पापा 89 ईयर्स के हो गए, 90 साल के होने वाले हैं, पूरी तरह से निरोगी हैं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं। हम ना एलोपैथी का मोहताज बनना चाहते, ना आयुर्वेद का, ना नेचुरोपैथी का, ना होम्योपैथी का, हम केवल अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके हम ठीक रहने का हिम्मत रखते हैं। जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं, केवल 2.5 घंटे सो के काम चला लेते हैं, स्वामी रामदेव जी हैं केवल 4 घंटे सोते हैं और वो निरोगी रहते हैं, किसी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, कभी बीमारी नहीं होते हो। इसी तरह से मैं भी केवल 5 घंटे सोता हूँ, शाम को मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, मैं निरोगी रहता हूँ, पूरे मैं 19-20 घंटे मैं बिजी रहता हूँ, मैं निरोगी रहता हूँ। तो आप भी हमेशा निरोगी रहेंगे और ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। आप लगातार करनाल न्यूज़ 24 से जुड़े रहे हैं। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया, आगे से मैं चाहूँगा कि थोड़ा छोटा सेशन होगा जिससे कि कीमती वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहें, और इन वीडियोज़ को सभी लोगों को आप बताएं, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठा सकें और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो उससे बड़ी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, हमें दवाई ना खानी पड़े, हमें ऑपरेशन ना करवाना पड़े, हमें हॉस्पिटल में एडमिट ना करना पड़े। उसके लिए हम क्या क्या करें मैं समय समय पर आपको आगे बताता रहूँगा। और आपको किस बारे में वीडियो चाहिए, किस बारे में सेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करें जिससे कि मैं उसी बारे में आपको वीडियो बना के बताऊंगा। थैंक यू।